और ये प्रशासन के द्वारा ही हो पाएगा। तो हम सभी अपने नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे कि कम से कम हम लोगों को न्याय मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी और ये हम सबका दायित्व तो भी है, हम सबका जो है। आप पिछले बार भी आए थे? जी, पिछले बार भी आए थे और हमने कहा भी था कि हम आते रहेंगे और समय समय पर हम चाचा के, अब उस क्षति को तो पूरा नहीं कर सकते लेकिन प्रयास करेंगे कि चाचा के साथ मिल करके कुछ न कुछ। अभी आप तक आपकी न्याय की लड़ाई कहाँ तक पहुँची? अभी हमने आपसे बताया अभी कि हम गए थे, एसपी साहब से भी मुलाकात किए थे और संयोग बस उस दिन इस गांव के ग्राम प्रधान भी गए थे। हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई में जरा भी गुर्रेज नहीं किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्या चाचा जी संतुष्ट हैं उनके कार्रवाई से, आश्वासन से? अभी तक कुछ हुआ नहीं चाचा का, तो अब कोई कार्रवाई हो जाए चाचा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। चाचा ने अपना लाल खोया, अपने बेटे को खोया, इकलौते बेटे को, तो कार्रवाई से संतुष्टियां नहीं होती। हाँ, लेकिन उस चोट पे, उस घाव पे मरहम लगाने का काम जरूर प्रशासन द्वारा हो सकता है। कोई व्यक्ति आए थे वो कह रहे हैं बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है, क्या कहां तक जाए? क्यों नहीं ठीक है? क्यों नहीं ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जहां नहीं चलाना चाहिए तो वहां बुलडोजर चला, जहां न्यायिक चीज है वहां बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। कौन से बाबा जी हैं? तमाम तरह के बाबा यहां घूम रहे हैं, ढोंगी बाबा। बाबाओं की क्या बात करेंगे, इस तरह से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए वहाँ अभी तक बुलडोजर चला, जहाँ बुलडोजर चलना चाहिए वहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये कौन सी बात है? विरोध करता हूँ मैं इसका। आप तो भाजपा के समर्थन में कितना देर क्यों हो रही है? भाई मैं भाजपा का समर्थक हो सकता हूँ लेकिन मैं अपने समाज का सच्चा सिपाही भी हूँ। मैं अपने समाज को छोड़ करके मुझे किसी का समर्थन नहीं करना है। मैं अपने समाज के प्रति वफादार हूँ। अगर मैं अपने समाज के प्रति वफादार नहीं हूँ तो मैं अपने माँ बाप के प्रति वफादार नहीं हूँ और मैं ठुकरा दूंगा जिस दिन मेरे समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे कोई अभिलाषा नहीं है किसी चीज़ की, किसी पद की। भाजपा के तो मंत्री कई लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, गिरीश जी आए थे और गिरीश जी से यहाँ से निकल के हम बात भी करेंगे कि अगर आप वहाँ गए तो कार्रवाई क्या हुई आपके जाने से। भैया प्लीज़, बड़े भैया बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। सवाल है हमारे नहीं। चलिए, चाचा की संवेदना को भी देख, चाचा की संवेदना को भी देखना है और चाचा की संवेदना को देखते हुए हम लोग साथ हैं और बाकी यहाँ राजनीति का कोई जगह नहीं है, ना हमें राजनीति करना है। बस वही कर, अगर हम मरहम लगाने आए, हम चाचा के साथ मजबूती से खड़े होने आए तो खड़े होंगे। मरहम तभी लगेगा जब तक कुछ न्याय न दिखाई न पड़े, और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम मरहम लगाते रहेंगे, तब तक हम खड़े होते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद भैया। हम तो इसी परिवार के, हम संवेदना हमेशा है, आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगी। लेकिन परिवार की जो प्रबल इच्छा थी कि इच्छा हम सब, हमारी भी इच्छा है, परिवार की इच्छा, पूरे गांव की इच्छा है, पूरे आप सबकी हमदर्दी है, इच्छा है, लेकिन इच्छा कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कानून की हर कार्रवाई हो रही है, होगी। लेकिन वहीं पर, यहां पर प्रिया सरोज आती हैं सांसद और कहती हैं कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो संविधान के अनुसार नहीं। अभी वो नए हैं, लड़के हैं, मैं उनको जो है कानून पढ़ी है तो कानून बता रही थी ना वो, कानून सभी लोग जानते हैं। लेकिन उससे कहीं ना कहीं परिवार काफी ज्यादा आहत हुआ है कि हम लोग की जो प्रबल मांग है, जो इच्छा है, जो कारण हुआ हत्या का, वो अभी तक यहीं पर तैनात इस प्रकार का मकान बना हुआ है, उसे जो दमे दोष हो जाना चाहिए उस पर इस प्रकार से यहाँ पे सांसद होते हुए बयान दे देना, ये कहीं ना कहीं इस पर क्या कहेंगे? नहीं, थोड़ा लीगली तो वो नहीं कर हो रहा, तो बयान थोड़ा समझा के देना, हम लोग प्रयास कर सकते हैं ना, प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहीं पर परिवार जो है आर्थिक मदद के लिए जिस प्रकार से QR कोड जारी किया गया, काफ़ी ज़्यादा पत्रकारों द्वारा उससे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चलाया गया, लेकिन वहीं पर देखा जा रहा है कि यहाँ किसी भी प्रकार से आर्थिक मदद के लिए कोई विधायक या कोई नेता मंत्री इस प्रकार से यहाँ पर आकर नहीं कर रहे हैं। देखिए, विधायक की जरूरत नहीं, हमारा घर है विधायक, जब सब लोग बंद कर देंगे आर्थिक सहायता तो हम लोग बराबर चलाएंगे। अभी बुलडोजर की कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई, मुकदमा कायम हो गया 67 का, उनको नोटिस जाएगी जो नियम है, और उसको 67 का मतलब गिराने की तैयारी हो रही है। अखिलेश जी परिवार जो है वो मुख्यमंत्री से लगातार मिलने का प्रयास कर रहा है और कई चैनलों से ये बात कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मिल रहे हैं, आप यहाँ के क्षेत्रीय घर के? तो हम भी तो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, हमने पत्र लिखा है, आर्थिक सहायता की मांग की है, उनको मिलने की मांग की है, हम खुद मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री हमको समय नहीं दिए। चुनाव में लोग व्यस्त हैं, चुनाव के बाद ही सारे लोग खाली होंगे तभी। चुनाव से बढ़कर ये चीज़ नहीं थी इस प्रकार से? अरे, वो तो उनसे पूछिएगा, तो ये जिम्मेदारी तो उनकी है, हमारी थोड़ा है। जैसे पार्टी में जो है चला गया, क्या हीरे से ज्यादा या अनुराग से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है उनके लिए? होगा, हम लोग थोड़ा मान रहे हैं। बिल्कुल।
उनके लिए होगा चुनाव। यहीं पर एक सुल्तानपुर का जो लूटकांड हुआ था उसमें मंगेश यादव का भी नाम शामिल था और तमाम चीजें थी, उसके बावजूद अखिलेश जी का ट्वीट आता है और उस पर बड़ी गंभीरता के साथ में उसको परिवार को बुला करके वहाँ मुलाकात भी करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं, लेकिन वहीं पर यहाँ परिवार बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। लेकिन समझ गए बात आपकी, जो कहना चाहते हैं मंगेश यादव की हत्या जो है प्रशासन और से पीपुल मतलब आम आदमी लड़ाई थी, ये हत्या जो है आपस की लड़ाई है, इसमें अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया है और हो सकता है जो मुझे जानकारी है, भाई उस पार्टी के लोग ज़्यादा बताएंगे, जो मुझे जानकारी है कि उस पर उनको गंभीरता से विचार कर रहे हैं, हो सकता है कोई आवाज़ जैसे 13 दिन बीत चुके हैं, कोई जरूरी नहीं है 13 दिन के बाद भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। विधायक जी, जिस बच्चे को आपने प्रोत्साहन दिया उसकी गला काट कर हत्या कर दी जाती है, अभी तक कार्रवाई में क्यों विलम्ब हो रहे हैं? नहीं, कार्रवाई हो गई, अपराधी बंद हो गए, जेल चले गए, अब तो न्यायिक प्रक्रिया है। घर की मांग, घर के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द बुलडोजर कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया पूरे देश में, उनमें नियम तो ही होगा जो होगा। वो जो मामला था वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध करके जाओ एक चौराहे से दूसरे, मुख्यमंत्री जी गलत कहते हैं, मुख्यमंत्री जी गलत कहते हैं और जो अब तक किए हैं मुख्यमंत्री जी वो गलत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आप बता रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पीडब्ल्यूडी के इसमें था कि 25,000 रुपया दिया जाए, ना कि इस मामले को लेकर जो संपत्ति बनाई जा रही है, जो ग्राम समाज में बनाई जा रही है उसे दमोह दोष करने का पुराना ही मामला भी था। उसमें 67 में मुकदमा कायम कर दिया गया है, 67 जो है जेडी एक्ट में कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहा है मामला, नियम है उनको एक बार नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद नोटिस में गलत तो ही है तो नाप जोक हो ही चुकी है, जो है कार्रवाई होगी। इसमें जैसे परिवार का ये कहना था, ग्राम प्रधान का भी कहना था, कई बार इसमें नाप हो चुकी है और अब कई बार मना करने के बावजूद इस प्रकार का निर्माण कर दिया गया, और आपका गृह क्षेत्र लगता है ग्राम कहीं ना कहीं गाँव ही यही है, तो इस पर आपने पहले कभी अमल किया था इस प्रकार की? जब हमको जानकारी होगी तो हम अमल करेंगे, गाँव है, घर हमारा यहाँ से 10-15 किलो कदम पर है, अगर कोई हमको बताया होता तब तो अमल अब तक कहिए अमल हो गया होता। ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, साथ में सिल्वर मेडल जीता हुआ था, कहीं कहीं आपके द्वारा भी प्रोत्साहित किया गया था इस लड़के को, 17 साल का महज लड़का था, इस प्रकार से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, खिलाड़ी के तौर पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्षति है हमारे क्षेत्र के लिए भी, क्षेत्र के जिले के लिए भी, देश की क्षति है, तो उस पर क्या बड़ी कार्रवाई करके ये संदेश नहीं दिया जा सकता कि इस प्रकार का अगर जघन अपराध किया जाएगा तो आने वाले समय में अपराधी पनपे ना? जैसे आप मुझसे कह रहे हैं हम भी मांग कर रहे हैं इसी बात की, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस पर बड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए जो भी मांग है अब हम लोग अपने दायरे में करेंगे, आप तो चैनल के माध्यम से खाली वो पूछ रहे हैं, हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।